लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी में जुटे प्रशासन ने कमियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पोलिंग बूथ में होने वाले बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें सुझाव मांगे गए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अगस्त 2023 तक मतदेय स्थलों से संबंधित प्रस्ताव संशोधन का स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय मुरादाबाद में उपलब्ध कराएं, ताकि संशोधित प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन जांच संबंधित SDM व तहसील से कराई जा सके। कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर मतदेय स्थल ना बनाया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गया है तो उस मतदेय स्थल को शासकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। कहा कि अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि पोलिंग स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक न हो। कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश अनुसार मतदेय स्थलों का संभाषण अधिकतम 1300 मतदाताओं के आधार पर किया जाना है। इसके साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का भी कार्य चल रहा है। जिसको भी अपना वोट बनवाना है अपने BLO से जाकर संपर्क कर सकता है। बैठक में SDM सदर मणि अरोड़ा, SDM काठ नरेंद्र सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, तहसीलदार सदर बिलारी ठाकुर द्वारा सहित भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, BSP जिला अध्यक्ष सुनील आजाद, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मुदासिर खान, सपा नेता महेंद्र सिंह, कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सर, आज राजनीतिक पार्टी की और सबके साथ बैठक में क्या निर्देश दिए गए? देखिए, जो मतदेय स्थल हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, उसका डाट पब्लिकेशन होने वाला है। 8 अगस्त को इसका पब्लिकेशन होगा। उसके बाद पब्लिकेशन के अनंतिम पब्लिकेशन होगा, उस पर आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। आज उस संबंध में जो हम लोगों ने डाट तैयार किया है, पोलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की है, इनको जो हम लोगों ने प्रस्तावित किया है पोलिंग बूथ, उसकी प्रतियाँ दे दी है, जिससे इसका अध्ययन कर लें, उसके बारे में कोई सुझाव हो तो सुझाव हमें दे सकें। और पोलिंग बूथों के फाइनल होने के बाद इस साइड बाय साइड हमारा इसमें डोर टू डोर सर्वे भी BLO द्वारा किया जा रहा है और ये चलेगा 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक हमारा ये सर्वे चलेगा। इसमें जो भी उस घर में नए वोटर्स 18 साल से ऊपर के हो गए होंगे, या अगर कोई मृतक वोटर हो गया हो, या कोई यहाँ से शिफ्ट हो गया हो, तो सारे हमारे BLO सूचीबद्ध करेंगे। और ऐसे वोटर्स जो नए वोटर्स शामिल होने हैं, उनका फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। जिन वोटर्स में किसी तरह के संशोधन करने हैं या जिनका नाम काटना है, फॉर्म 7 भरेंगे। संशोधन के मामले में फॉर्म 8 भरेंगे। तो ये सब कार्रवाई साथ साथ चलेगी। और अगर हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन की वोटर लिस्ट की बात करें, तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। उसके बाद दावे आपत्तियाँ लिए जाएंगे 31 नवंबर तक, और फिर 5 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा 5 जनवरी 2024। सर, क्या सुझाव रखे जनप्रतिनिधि? देखिए, अभी जनप्रतिनिधियों ने जो पोलिंग बूथों की सूची दी गई, उस पर इन लोगों ने समय मांगा है कि हम इस पर अध्ययन करके जो भी हमें अपने ऑब्जेक्शन देने होंगे हम देंगे। अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो, वो सुविधाजनक ढंग से अपने वोट को डाल सकें। इसके लिए हम लोगों ने सूची तैयार करी है और जो भी सुझाव आएंगे उसके हिसाब से हम उसमें संशोधन। सर, मतदाता सूची में नाम जोड़ने का, काटने का अभियान चला, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा लोगों से आग्रह यही है कि जो भी व्यक्ति जो 18 साल के हो गए हैं या जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल के होने वाले हैं, वो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आयोग के पोर्टल पर, और ऑफलाइन अपने BLO को भी दे सकते हैं, अपना नाम दे दें। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है ये भी है कि एक बार वोटर लिस्ट को चेक कर लें। वोटर लिस्ट अभी BLO के पास उपलब्ध है, क्योंकि कई बार होता है कि अभी लोग चेक नहीं करते हैं, जब मतदान का दिवस आता है तब इस बात की उनको जानकारी होती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और फिर निराशा होती है उनको। उचित होगा कि अभी वोटर लिस्ट एक बार चेक कर लें, अगर उनका नाम शामिल नहीं है तो तत्काल उसके लिए फॉर्म 6 भर दें, जिससे उनका नाम सम्मिलित किया जा सके। और अभी उपयुक्त समय है नाम सम्मिलित करने का, या किसी नाम में संशोधन करने का, या कुछ ऐसे लोग जो शिफ्ट कर गए हैं या जो मृतक हो गए उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाने का हमारा प्रयास है। हम लोग आयोग के भी निर्देश से
आपकी वोटर लिस्ट पूरी तरह से क्लीन रहनी चाहिए जिससे वोटर्स को किसी तरह की असुविधा। आधार कार्ड को मतदाता सूची से देखिए, अभी माननीय आयोग ने जो निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं के आधार कार्ड भी लिए जाएं जिससे उनकी पहचान में भी आसानी हो और डुप्लीकेसी आदि को भी रोका जा सके। तो लगभग जिले में 60% वोटर्स के हम लोग आधार कार्ड कलेक्ट कर चुके हैं और अभी हमारा अभियान चल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम 100% आधार कलेक्ट कर सकें।